हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति टेस्टफुल टेबल। चलिए आज हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे देख के सबके मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, चाट। वो भी ऐसा वैसा चाट नहीं, कटोरी चाट। इसमें सारे फ्लेवर, सारे चाटों के फ्लेवर ऐड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कप मटर, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो के छोड़ दिया था, अब इसे हम कुकर में डालेंगे और इसमें 2 कप पानी डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, और 3 आलू मीडियम साइज़ के इसमें डाल देंगे बॉयल होने के लिए, और 2 प्रेशर होने तक वेट करेंगे धीमी आंच पे। अब हम कटोरी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और 3 स्पून ऑयल। इसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हाथों से मिलाते हुए अच्छी तरह से इसे सॉफ्ट कर लेंगे। गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब इसमें हम पानी की मदद से इसके नॉर्मल बेस डो तैयार करेंगे, जो कि ना ज़्यादा टाइट होगा और ना ज़्यादा ढीला होगा। ये देखिए, मैं हाथों से धीरे धीरे इसे मिला रही हूँ। हमारा डो रेडी है, कटोरिया बनने के लिए भी रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कटोरिया बनाना चालू करते हैं। अब हम कुछ इस साइज़ में इसे काट लेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से दबा के एक गोल पेड़ा बना लेंगे। चूँकि इसमें ऑयल बहुत है, इसीलिए आपको इसमें कुछ आटा, एक्स्ट्रा आटा या फिर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑलरेडी ऐसे हो आसानी से बिल आ जाएगा। ये देखिए, ये बिल आ गया है। इसके बाद फॉक की मदद से इसमें हम कुछ इस तरह से छेदे कर देंगे और उसको एक छोटी कटोरी पे दबा के उसके ऊपर के जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, ये देखिए मैं किस तरह से इसे निकाल रही हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट इस तरह से कुछ निकाल लेंगे हम और इसे कटोरी में अच्छी तरह से दबा देंगे। ये देखिए, ये कटोरी का शेप का हो गया है। अब फॉक की मदद से हम इसमें फिर से छेदे कर देंगे। ये मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से छेदे कर दिया है। अब इसे ऑयल में हम धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाएंगे। थोड़ी देर इसमें तेल में डालने के बाद ये इस तरह से निकल जाएगा। ये देखिए, आसानी से निकल गया है। अब इसे हम पलट के धीमी आंच पे फिर से पकाएंगे। इसे आप तेज आंच पे मत पकाएं, नहीं तो ये कुरकुरे नहीं बनेंगे। आप धीमी आँच पर पकाएं, ये बहुत कुरकुरे बनेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी कटोरियाँ बना लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही कड़े और कुरकुरे बन चुके हैं। अब चलती चलती अपने छोले की तरफ, जिसने 2 सीटी मार दिया है। अब हम कुकर को खोलेंगे। इसमें हमारे आलू पक गए हैं, पर छोले को अभी 1 सीटी की और ज़रूरत है, इसलिए हम आलू को निकाल लेंगे और छोले को 1 सीटी के लिए और भी फिर से प्रेशर लगा देंगे। ये देखिए, आफ्टर 1 सीटी ये पक गया है और उसमें हम 1 आलू मैश करके डाल देंगे और इसे कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ताकि आलू से ये इसका जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए। अब चलते हैं माय फेवरेट पोर्शन, अब हम चाट बनाना चालू करेंगे। मैंने इसमें चटनी की रेसिपी नहीं डाली है। अगर आपको चाहिए चटनी की रेसिपी तो मैं अलग से वीडियो बना के इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलिए अपने चाट को फाइनल टच देना चालू करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या डालना है हमें। तो सबसे पहले मैंने इसमें अपना छोला डाला, जिसे मैंने बनाया प्रेशर कुकर में बिल्कुल ही सिंपल मसालों के साथ, इसे ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें जो बॉयल किए हुए पोटैटोस थे वो मैं ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इसमें हरा मूंग डाल रही हूँ, ये एक्सेप्शन है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये कर्ड, ये इमली की मीठी चटनी, उसके बाद धनिया पत्ता की ये खट्टी मीठी चटनी, ये मसाले हैं जिसमें मैंने नमक, काला नमक, ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, ये सब रखा है, ये आप डाल दें।
ये रेड चिल्ली पाउडर और ये प्याज, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। फॉर डेकोरेशन मैंने बीट रूट के स्लाइसेस डाले हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्शनल है। एंड लास्ट फिनिश इज़ माय सेव। हमारा चाट बिल्कुल बन के तैयार है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही यम और बहुत ही झटपट बनने वाला चाट है, अगर आपके पास चटनियाँ पहले से बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।